हेलो नमस्ते सत श्री अकाल वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हो? होप कि आप सब ठीक होंगे। तो आज हम आपके साथ शेयर करेंगे पुराने पर्दे को नया कैसे बनाएं और नॉर्मल कपड़े से सोफे के कवर कैसे तैयार करें। तो चलो शुरू करते हैं। मेरे पास प्लेन पर्दा है और इसके ऊपर कुछ DIY करके इसको नया बनाएंगे। मेरे पास ये कपड़ा पड़ा था सीक्वन का घर पर, तो इसको हम इस्तेमाल करेंगे। इसको राउंड शेप में कटिंग कर लेंगे और बहुत सारे पीसेस कटिंग कर लेंगे। आप चाहे तो हार्ट, स्टार, नहीं तो और शेप में भी कटिंग कर सकते हो। मैंने राउंड शेप में करा है। अभी हम इसको पैच को साइडों में सिलाई लगा देंगे, पूरे राउंड राउंड पूरे पैच लगा के अच्छे से। जो हमने पैच कटिंग करे है उसको हम अच्छे से लगाएंगे मशीन से के निकले ना। अभी ये अच्छे से लग गया है पर्दे पे और पूरे पर्दे पे हमने ये पैच लगा लेने हैं ऐसे करके। देखो फ्रेंड्स, हमारे पर्दे रेडी हो गए हैं। फ्रेंड्स, अभी हम सोफे का कवर बनाएंगे। ये मेरे पास 2 मीटर कपड़ा है। ये वो कपड़ा है जिसके हम टेडी बेयर बनाते हैं। ये मैंने लोकल मार्केट से लिया है। इसको हम अच्छे से बिछा लेंगे, फिर इसके ऊपर हम पुराना सोफे का कवर बिछा कर इसके नाप का कटिंग कर लेंगे। फिर हम 1 पीस भी कटिंग कर लेंगे। यहाँ पे हमारे पास मल्टी कलर ऊन है और एक कैची और एक पेपर खड्डा है जिसका हम इस्तेमाल करेंगे।
मेरे पास कपड़ा बच गया था तो उसके मैंने मूड़े के कवर बना लिए राउंड शेप में कटिंग करके और उसको भी फुंदे लगा दिए। ये गद्दियों के कवर मैंने घर पर तैयार किए हैं। ये मैंने लोकल मार्केट से वेलवेट का कपड़ा लाकर हल्दी कलर में, तो उसको कटिंग करके अच्छे से सिल लिया है। फिर उसके ऊपर बची खुची जो लेस रहती है घर में वो लगा दी और कलरफुल स्टोन लगा दिए और ये मेरा गद्दियों का सेट पूरा तैयार हो गया मल्टी कलर में। अगर आप सभी को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सत श्री अकाल सारे।